कोतेगांव में हुई घटना ने एक बार फिर किसानों की समस्याओं को उजागर किया है। मूंग उपज लेकर आए किसानों द्वारा सड़क जाम करना और प्रदर्शन करना इस बात का प्रमाण है कि किसान अपनी उपज के उचित मूल्य और सही मापतौल को लेकर कितने गंभीर हैं। किसानों का आरोप है कि वेयरहाउस में उनकी उपज को नहीं तौला जा रहा है। उपज को मशीन में डालकर फिल्टर करने से दाल का रूप लेने की वजह से किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। किसानों की उपज को वेयरहाउस में नहीं लिया जा रहा है, जिससे किसानों में रोष है। प्रदर्शन के कारण NH-22 नरसिंहपुर जबलपुर रोड एक घंटे के लिए बंद रहा। कल सुबह से किसान लोग सही परेशान, सुबह से मारुति वेयरहाउस से हम लोगों के यहाँ ट्रांसफर किया गया, मगर उसके बाद अभी तक तुलाई भी नहीं हुई, किसी प्रकार का किसी का माल पास भी नहीं किया। अगर हम दो दिन वहाँ डरे रहे और दो दिन यहाँ डरे रहेंगे तो क्यों नहीं नमी आएगी? नमी नहीं आएगी, बाद में बोलते हैं नमी आने लगी, कचरा है तो कुछ तो पास करें। अब छाने बीने ना इसमें मशीन है ना कुछ फ्री में किसान को परेशान किया जा रहा है। जो माल छाना गया उसको भी पास करने के लिए तैयार नहीं है। स्लाइड में कोई आपकी आज आखिरी डेट है, आज आखिरी डेट है, हम क्या करेंगे आप बताइए। हमारा 50 क्विंटल माल डाला हुआ है बाहर, कल के लिए कुछ हो गया उसकी गारंटी कौन लेगा? ठीक रहा कि कल के लिए कौन गारंटी लेगा? क्या नाम आपका? राजेश कुमार लोधी। स्थिति को मुआयना करके मतलब देख लिया गया है, कल से सुधार हो जाएगा, काम चालू हो जाएगा। कुछ क्वालिटी का इश्यूज आ रहा था जिसको सॉल्व कर दिया गया, कल से दो तीन छन्ने लगा देंगे, पंखे लगा देंगे, काम चालू हो जाएगा। किसानों ने सड़क पर बैठ कर प्रदर्शन भी किया था, अभी वो क्वालिटी को लेके किया था, क्योंकि एकदम से आए हैं, दो तीन दिन से परेशान है, नया गोदाम बदला है तो थोड़ा सा स्वाभाविक है। किसानों का कहना है कि उनकी स्लाइड बुक हो गई, क्या आगे तुलाई हो पाएगी? जिनके भी जो भी किसान खड़े हैं।